नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। प्रशिक्षण में धांधली के विरोध में हस्तशिल्पियों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अभिन्न अंग रामनगर में पत्थर नकाशी के हस्तशिल्पियों ने 29 अक्टूबर को दोपहर में प्रशिक्षण में धांधली के विरोध में प्रशिक्षण केंद्र के समीप जबरदस्त प्रदर्शन किया और विरोध में नारे लगाए। भारत सरकार की ओर से हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पत्थर नकाशी के हस्तशिल्पियों को यहां के मच्छरहट्टा मोहल्ले के ईदगाह क्षेत्र में स्थित एक केंद्र पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें गैर शिल्पियों को शामिल करके उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया। उनका कहना था कि जिसे प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह प्रशिक्षण में अपने सगे संबंधियों और जाति विशेष के लोगों को शामिल करके प्रशिक्षण दे रहा है, जो गैर शिल्पी हैं, जबकि नगर में पत्थर नकाशी के 6 दर्जन से अधिक हस्तशिल्पी इससे वंचित हैं, जिनके पास परिचय पत्र भी है, लेकिन मनमानी करते हुए उन्हें इस प्रशिक्षण से दूर कर दिया गया। 2 समूहों में 66 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें एक समूह में 33 शिल्पी रहते हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें 300 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं, जिस पर प्रशिक्षण देने वाले ने डाका डाल रखा है। प्रशिक्षण का संचालन विकास आयुक्त हैंडीक्राफ्ट वाराणसी कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में पत्थर नकाशी के दर्जनों हस्तशिल्पी शामिल रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए वाराणसी से त्रिलोकी नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।